हेलो दोस्तों, आपका न्यूज स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस DSSSB PRT TGT PGT और BPSC 3.0 के लिए GKGS की क्लास आपके शुरू हुई है। आई होप आप सभी ने सारी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंक, कार्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रशासनिक सेवा जो है वो शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछता है कार्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1786 से 1793 तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं आपके रिपन जी हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक आपके रिपन जी हैं। रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 रद्द कर दिया। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 किसने रद्द किया? तो रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की है, यह आपसे पूछा है। तो ये भी आपकी रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर 84 तक का है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, 1927 में, 1857 में या 1947 में? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1911 ईस्वी में। इसका निर्माण जो है किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। इसे जॉर्ज विवेट ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किसने किया अगर आपसे पूछता है, तो डिज़ाइन जो है जॉर्ज विवेट ने किया है। जॉर्ज विवेट ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण जो है किसके स्वागत में हुआ था, तो किंग जॉर्ज, किसके लिए किया गया कह सकते हैं, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, क्वीन मैरी के स्वागत में इसे डिज़ाइन निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सुगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, यानी सुगौली की संधि कब हुई यह आपसे पूछ रहा है। तो सुगौली की संधि आपकी 1816 ईस्वी में हुई थी। आंग नेपाल युद्ध आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासन इनके नेतृत्व में हुआ था और 1816 को सुगौली की संधि हुई थी। इस संधि में कंपनी को गढ़वाल और कुमायूं के जिले प्राप्त हुए। गोरखाओं ने सिक्किम को भी खाली कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये आंग नेपाल युद्ध जो आपका 1814 से 1816 के बीच हुआ था, ठीक है, उसके बाद में आपकी सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा है? तो बंगाल का शेर किस कौन है ये आपको बताना है। कार्नवालिस, कर्जन, हेस्टिंग, वैलेजली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है, वैलेजली जो है इनको बंगाल का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट,
और अगर सहायक संधि की बात की जाए तो सहायक संधि जो है किसने शुरुआत की थी, तो वेलिजली ही थे। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। इनका शासनकाल आपको एक बार बता चुके हैं, 1828 से 35 तक का है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, किस वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? वायसराय काल में रोलेट एक्ट जो है पारित हुआ था, मतलब रोलेट एक्ट जब आया था तब आपके कौन वायसराय थे? तब आपके चेम्स फोर्ड थे। ठीक है, रोलेट एक्ट आपका 1919 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को कैनिंग ने समाप्त किया था। ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया? 1793, 1783, 1773, 1795। तो ये आपका 1773 से में हो गया था। भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए, इस कंपनी इस प्रकार जो है कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट, वायसराय और उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। वेवल के शासनकाल में क्या हुआ, रेडिंग के शासनकाल में क्या हुआ, वेलिंगटन और लिंगलिथगो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, ये आपको बताना। वेवल के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ था, रेडिंग के शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था, वेलिंगटन के शासनकाल में आपका सांप्रदायिक पुरस्कार, और लिंगलिथगो पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग जो है लिंगलिथगो के शासनकाल में हुई थी। तो पहले का थर्ड जो है आपका इसमें है और इसमें है, दूसरे का दूसरा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सही रूप से मिलान कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बैंटिंग, चार्ल्स मेटकर्फ, लॉर्ड कर्जन, आपको इसमें इधर मिलान करना है कि कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में जो है बंगाल में द्वादश शासन हुआ था, विलियम बैंटिंग ने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, और लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो डी का टू इसमें है, तीनों में है, फर्स्ट का थर्ड इसमें और इसमें है, तो यानी कि एक ऑप्शन तो कट गया दो, एंड बी का मेरा है फोर, बी का है फोर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, मेटकर्फ प्लस प्रतिबंधों को हटाया था इन्होंने। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो पूर्णता कब हो गया था आपका, ये पूछा गया है। ठीक है, 1857, 1860, 1858 या 1872, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1858। नेक्स्ट, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया था? तो डाक टिकटों का प्रचलन किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी जी ने जो है डाक टिकटों का प्रचलन किया था। कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। तो ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए, अवध को भी किया गया कुछ शासन के आधार पर, सतारा को डलहौजी ने 1848 में किया था। ठीक है, अवध को बता दिया कुछ शासन के आधार पर, 1856 में किया था। ठीक है, और सिंध को भी इसने 1843 ईस्वी में किया था। बचा आपका ग्वालियर, ग्वालियर को इसने जो है ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया। ठीक है,
ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई? डाक टिकट की जो बात हुई है वो लॉर्ड आपके डलहौजी ने जी ने शुरू किया है, टेलीग्राफ सेवा जो है वो भी आपकी डलहौजी जी ने ही शुरू किया, ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो है आपका तीसरा वाला किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ऑप्शन आपका बी राइट है, अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति, हड़प नीति जो है ये आपकी डलहौजी जी की है, किसकी है हड़प नीति? डलहौजी जी की, ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई, तो पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने कब साइन किया था ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका किया था 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने पहली सहायक संधि पर साइन किया। वैलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका वो आपका हैदराबाद है, ठीक है। हैदरा के बाद मैसूर था, मैसूर ने 1799 में, फिर अवध को लिया गया 1801 ईस्वी में, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? डी, धन निष्कासन का जो विरोध है ये दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई ये आपसे पूछा गया, तो ये आपकी 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की गई। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था इनमें से? विवेकानंद, स्वामीनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस या ईश्वरचंद विद्यासागर? तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक जो हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। और ये किस वायसराय के समय था? 1856 कैनिंग के समय था, किसके समय था ये? कैनिंग के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संग्रहित करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को या शैक्षिक सुधारों को? तो वुड डिस्पैच जो है आपका 1854 में आया था, ये आपका शैक्षिक सुधारों से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी राइट है, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सभी बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।